हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेप वाटर। डाबर का ग्रेप वाटर आयुर्वेदिक औषधि है। यदि किसी बच्चों में लूज मोशन ज़्यादा हो गए हैं, उसका वाटर लेवल घट गया है, तो आप उस बच्चों को पानी की पूर्ति के लिए ग्रेप वाटर पिला सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और यह आराम से पी भी लेते हैं। इसके स्वाद भी बहुत अच्छे होते हैं और यह दांत निकालते समय जो पेट में तकलीफ़ें होती हैं या लूज मोशन हो जाता है, पेट झड़ने लगता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे डाबर का ग्रेप वाटर, वोखर्ड का ग्रेप वाटर या फिर आप नैनिहाल का ग्रेप वाटर कह सकते हैं। यह आपको 125 ml में उपलब्ध है। यह 50 रुपये इसकी MRP है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी आप देखकर खरीद सकते हैं। डाबर बहुत पेटेंट कंपनी, इसे सब लोग वाकिफ़ हैं। यह पेट के तकलीफों जैसे अपरा, ऐठन, अपचन या आमला आदि को उपयोगी होता है। इसका जो डोज होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 से 6 मंथ है तो 2.5 ml देना है, 6 से 1 साल है तो 5 ml देना है, 1 साल से अधिक है तो 10 से 15 ml, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं या और ज़रूरत के अनुसार इसको बदला भी जा सकता है। वैसे कॉमनली ग्रेप वाटर जिन व्यक्तियों में लूज मोशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी पानी की पूर्ति के लिए डॉक्टर देते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगा कि ग्रेप वाटर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर के पैक के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसका बहुत सुंदर पैकेट में बनाया गया है। व्हाइट कलर की दवा होती है, यहाँ पे 5 ml का ये कैप होता है। इससे आप दिन में 3 से 4 बार पिला सकते हैं। बच्चों के लूज मोशन को इससे ठीक भी हो जाते हैं और यदि उसके वाटर लेवल घट गए हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू दे सकते हैं। 1 हफ्ता तक या 5 दिन तक आप इसे कंटिन्यू पिला सकते हैं, जिससे कि बच्चों में पानी की कमी की पूर्ति हो जाती है और बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।